Dear students, I am Mr. Arulhak, lecturer of English, teaching you class 12 English text with us. And uh, uh, the topic we are studying is on the face of it, chapter number 6. It's a play by Susan Hill. Today, come to page number 61 of your textbook. Page 61, yes, it's page 61. You can see here, page 61. डरी uh, आप देख सकते हैं uh, अभी तक आपने देखा जो इसके मेन करैक्टर स मिस्टर लैम जो बूढ़ा है बाग का मालिक है और उसकी एक टांग भी कट गई है तो उसके टिन लेग है यानी नकली जंग से तस्ल है तो डायरी लड़को और ऐवा पान कथ करान तो ये बड मिस्टर लैम्च में समझा कर, कर, कर लड़कस कोशिश के अगर चेबू के क्या दूध बुध तिच ही आपका मुँह अगर जला है फिर भी आपको ज़िंदगी गुजारनी है और इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है हर चीज़ की अपनी अहमियत है अच्छे की भी बुरे की भी तो जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं तो वो उनको समझाता है कि मैंने अपने बाग में फूल भी लगाए हैं फ्रूट्स भी लगाए हैं और वीड्स भी लगाए हैं वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स तो डायरी नहीं समझता है तो ये उसको ये भी समझाता है मिस्टर लैम कि मेरे बाग में मैंने बीज को भी पाला हुआ है शहद की मक्खियों को मास्टर शम रशमस यशुति मनमान के बुट स व पर लोकन खतर चु ये शोर सिर्फ बुजिंग मगर मेरे लिए इनकी ये सिंगिंग है क्योंकि मैंने इनको पाला है मुझे आवाज़ अच्छी लगती है मेरे लिए ये सिंगिंग कर रही हैं तो लेकिन लोगों के लिए बुरी हो सकती हैं लिहाजा तुम समझते हो कि तुम सबको बुरे लगते हो ऐसा नहीं है कोई तुमको भी पसंद करेगा तो आगे देखते हैं डायरी सेज़ But I like it here. I came in because I liked it. But I like it here. हाँ लेकिन मुझे ये जगह पसंद है अगर किसी को बुरी लगेगी आपका बाग लेकिन मुझे ये अच्छा लगा I came in, मैं अंदर आया बिकज़ I liked it, क्योंकि मुझे ये जगह पसंद आई When I looked over the wall, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा अंदर तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी आपका बाग तो मिस्टर लैम इसे जवाब देते इफ इफ़ यू हैड सीन यहाँ डी को पढ़ेंगे सीन वुड नहीं पढ़ना है अगर हम पढ़ेंगे इफ यू वुड सीन ये गलत है बिकॉज हर एज आई ऑलरेडी स्टेटेड यू टोल्ड यू इट इज पास्ट पाटसिपल फॉर्म फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब ठीक ये मैं अगर तर्बुक थर्ड फॉर्म फार्म पास्ट पार्टिसिपल फार्म पत्क तो लिजा दी यु हैड अगर ये फर्स्ट फार्मे सी तो फिर हम इसको वुड पढ़ते आई इफ इफ यू यू वुड हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन तो मिस्टर लैम से माना आपने अगर अगर तुमने मुझको देखा तो अगर वोमुत आदि बागस रोच यू वुड नॉट हैव कम इन हक न डैरी नो हाँ मैं नहीं आता लैम नो कहक न तो डी इट वु तो इट वु हव बिन थ्रेस पासिंग तो वो बिला इजाजत अंदर आना होता यानी जब आप दरवाजे से नहीं आते हैं खिड़की से आते हैं क्या कोई बदल बदल कचान देवार फिर दैट इज ट्रेस पासिंग यानी चोरी छपि अचो दैट इज ट्रेस पांग इट वुड हैव बीन ट्रेस पास्ंग तो फिर यह ट्रेस पासिंग होती है, अगर बंदर बहुत अंदर एम्हि इथ पिस लैम्श वन ओह दैट्स नॉट वाई हाँ तो तो ट्रेस तो, तो वो यानी सूची मिस सूचना त्रेस पास्ंग बह अंदर एम्हे नाजायज अंदर तो मिस्टर लैम से वन नॉट वाई हाँ नहीं नहीं ये बात है, नहीं है कि तुम ट्रेस आ, ट्रेस पासिंग कोई वजह नहीं है ठीक है हाँ डैडी आई डोंट लाइक बींग नियर पीपल तो वो इसको वजह बताता है मिस वजह वनान कि वजह से यह कि आई डोंट लाइक बींग नियर पीपल मैं लोगों के नज़दीक रहना पसंद नहीं करता वन दे स्टेयर क्योंकि वो मुझको घूरते हैं तुम तो हसा मे दौल व मे बुथ कत वेन आई सी दैम बींग अड आफ मोचा तो बु सोचा मेकन वो हाँ तिम प्रह गांदश् बुथ वो बुथ वे बेहान लूको नश दूर मैं लोगों से दूर बैठता हूँ तो लैम इसको जवाब देते हैं युर सेल्फ रूम एंड लीव इट तुम अपने आप को एक कमरे में हमेशा बंद रख सकते हो और कभी उसमें से बाहर नहीं निकल सकते देयर वाज अ मैन हु डिड दैट एक आदमी ने ऐसा ही किया था एक आदमी ने ऐसा ही किया था यू खुट लॉक यूर सेल्फ अप इन अ रूम यानी तुम एक कमरे में अपने आप को बंद कर सकते हो जिस तरह तुम लोगों से दूर भागते हो एंड नेवर लीव इट तो अंदर ही रह सकते हो कभी उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते यानी पन पान चूर थे हेको ने देयर वाज अ मैन हु डिड इट एक इंसानन करा इत पी वॉज टर्न ओवर कम पेज नंबर टेक्स्ट बुक टॉप ही वॉज अ फ्रीड तो वो भी तुम्हारी तरह डरता था यूसी तुम देख रहे हो ऑफ एवरी थिंग वो हर चीज़ से डरता था एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड हर चीज़ से उसको डर लगता था दुनिया में अ बस माइथ रन हिम ओवर उसको डर था कि कभी उस पर कोई बस न चढ़ जाए यानी कहाँ गड़ म ग और अ मैन माइट ब्रीद डरली जर्मज इन टू हिम तो उसको वो किसी इंसान के नज़दीक नहीं आता था उसको डर रहता था माइट ब्रीद ये देख रहा हो ध्यान रखो यहाँ पर जो है बी आर ई ए टी एच ब्रीद ये वर्ब है अगर बी आर ई ए टी एच ही पढ़ेंगे तो ब्रेथ है ब्रीद डरली जर्म्स इन टू हिम तो उसको डर था कि किसी आदमी कोई आदमी अपने मुंह से अपने सांस से पन्ने शाह सून में यह इन्फेक्शन कर जर, जर्मज अचान मैं असस मं और डंकी माइट किक हिम टू डैथ या बास ककान तो कह गुर् डंकी डो डंकी गदा कह घर कोई घोड़ा गदा मुझे लात ना मार दे तो मैं मर जाऊँ यह डर और लाइटनिंग माई स्ट्राइक हिम डाउन या अगर बह घर नबर द्रास तो अचानक बिजली चमके त्रट मा पे आसमान लाइटनिंग यहाँ मतलब है त्राठ माई स्ट्राइक हिम डाउन में सुबह त्राठ पे और ही माई लव अ गर्ल या हो सकता है मैं किसी लड़की को लड़की को चाहता हूँ एंड द गर्ल वुड लीव हिम तो उसको ये भी डर था कि पथ में सुकूर त्रोयत एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन ये भी उसको डर था कि अगर मैं घर से बाहर निकलूँ हो सकता है किसी ने सड़क में बनाना स्किन केले का छिलका फेंका हो कल दल माज पाथर कुन जाए गए स्लिप तम एंड फॉल तो बह पसत एंड पीपल हु सो हिम तो लू हम मे आसन वुत लॉफ देयर हेड सॉफ तम असन कल बोन कुन सो ही वेंट इन दिस रूम तो इसलिए वो एक कमरे में छुप गया तुम तो पन पान एक कमरस में चोर एंड लॉक द डोर दरवाज़ा बंद किया लॉक किया एंड गोफ्थ इन टू हिज बेड और अपने बिस्तर में घुस गया छुप गया गोथ गैट का पास गैट गोथ गोथ एंड स्टेट देयर और उधर ही पड़ा रहता था उधर ही रुका रहता था तो डैरी पूछता है फॉर एवर हमेशा के लिए उधर ही कमरे में बंद रहता था मिस्टर लैम फॉर एवाइल हाँ कुछ वक्त के लिए कुछ वक़्त के लिए डैरी देन वाट फिर क्या हुआ तो मिस्टर लैम कहता है ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल उसके सर के बराबर बेडस uh, तो, तो 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 कल सदर पिकचर आगे फोटोग्राफ ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल तो सी हा पे वह फ्रम पे वोटोग्राफ फ्रम ओन थेड तम सि कलस पैठ एंड हिम तो वो मर गाट तो को बहुत हंसी आती है ये जवाब सुनकर यानी वो आदमी यानी आप देखें इसको बूढ़ा समझाता है कि सह है कुन कंद दुनिया नखलान नहीं तो एक कहानी सुनाता इथ पास ई कर मौत पद निका पे बीठ सूर मगर तथा पे कल्स पे फोटोग्राफ वैसे फ्रेम वैसे तो मौत तो यानी जो आपके नसीब में लिखा है वो हो के रहता है आप दुनिया का मुकाबला करो भागना कोई तरीक़ा नहीं है तो मिस्टर लैम कहता यू सी हाँ तुम देखो तुमने देखा तो डेरी बट यू स्टिल से फिक्यूलियर थिंग्स तो डैरी कहता हैं तुम अजीब अजीब बातें करते हो कि मिस्टर बासम अजीब मिस्टर लैम पिक्यूलियर टू तो सम कुछ लोगों के लिए तुम्हारे जैसे के लिए पिक्यूलियर हो सकती हैं लेकिन आम इंसान के लिए पिक्यूलियर नहीं है ख़ास नहीं है स्पेशल छुन के डैरी डू यू डू ऑल डे तो डैरी अभी से पूछता है अच्छा तुम तो मैं क्या सर चुख करत बागस मज़ बड़ा प्रसान तो मिस्टर लैम जवाब देता है सर दसन यहाँ बैठता हूँ धूप में रीड बुक्स किताबें पढ़ता हूँ ऑफ यू थट वन एम थी हाउस हाँ तुमको ये भी लगा कि यह मकान खाली बट इन सड मगर अं इट्स तो फुल अंदर फुलंद बच्चों किताबा किताब अदर थिंग्स तो थी सामान मूरा फुल पूरा फुल है मकान खाली नहीं है तो डरी पूछता है बट आर बटन टिकटन एट विंडोज मगर पर्दे नहीं है आपके मकान की खिड़कियों पर कर्टन्स मतलब पर्द पर्द ना चुना लोग मत कह तो मिस्टर लैम वन आई एम नॉट फाउंड ऑफ कर्टन्स मुझे पर्दे अच्छे नहीं लगते हैं फाउंड ऑफ पसंद मुझे पर्दे पसंद नहीं है शटिंग थिंग्स आउट हाँ चीज़ों को बंद रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है शटिंग थिंग्स इन हाँ बाहर चीज़ों को बंद रखो अंदर चीज़ों को बंद रखो मैं छा चीज़ पसंद क्या आई लाइक द लाइट मुझे रोशनी पसंद है हाँ एंड द डार्कनेस और मुझे अंधेरा भी पसंद है एंड द विंडोज़ ओपन और मुझे खुली खिड़कियाँ पसंद है मेरे येलो दारि पसंद टू हेयर द विंड मुझे बाहर हवा चलती हुई अच्छी लगती है अगर वह बंद कर मैं ये ना आवाज़ कहें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम आज की क्लास रुक लेते हैं वी विल कंटिन्यू विद टमारो